ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार दोस्तों, इस देश में लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहर इस तरह से है, बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का डर इस कदर है कि दो दो सरकारें दौड़ी दौड़ी भागी भागी फिर रही हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की, और फिर हम बात करेंगे दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की। आप जानते हैं झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड में पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने करीब 40 विधायकों को लेकर रिजॉर्ट में चले जाते हैं। जी हां, अब उन्हें लग रहा है कि इन रिजॉर्ट से भी भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को चोरी कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, इंडिगो का एक विशेष विमान, जी हां, एक विशेष विमान का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें पहुंचाया जाता है किसके पास, भूपेश बघेल के पास, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। मजाक बन गया दोस्तों। सरकारों का काम होता है, विधायकों का काम होता है जनता की सेवा करना, मगर हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के डर से पहले वो झारखंड के रिजॉर्ट्स में उन्हें घुमा रहे थे, और जैसा कि आप देख सकते हैं अब उन्हें पहुंचा दिया गया है। कहां पर उन्हें पहुंचा दिया गया है, छत्तीसगढ़, क्योंकि उन्हें लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। दिल्ली में भी ऐसे ही कुछ हो रहा है दोस्तों। मैं बताता हूं ये खबर विस्तार से क्या है आपकी स्क्रीन पर। झारखंड में सियासी संकट लगातार बरकरार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने विधायकों की टूट का डर इस कदर सता रहा है कि वे उनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। अब सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके लिए चार्टर्ड फ्लाइट बुक कराई गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों की एकता को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई अनहोनी नहीं होगी, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, रणनीति के तहत कार्य किए जा रहे हैं। उसी रणनीति की छोटी सी झलक पहले और आज सभी ने देखी। जी हां, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि पहले से ही जबरदस्त दबाव में है, आपको याद है पूजा सिंघल, उनकी करीबी पूजा सिंघल आईएएस ऑफिसर, जो भारतीय जनता पार्टी जब मुख्यमंत्री रघुवर दास थे उनकी भी करीबी हुआ करती थी, उनकी गिरफ्तारी हुई, अब वो कई राज जो हैं उगल रही हैं। तो इस मुद्दे को लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खतरा बना हुआ था। अब चुनाव आयोग ने कथित तौर पर उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर राज्यपाल को सिफारिश भेज दी है। आपके स्क्रीन पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, चुनाव आयोग ने सिफारिश भेजी या नहीं भेजी अब तक आधिकारिक नहीं है, मगर यह सज्जन पहले ही बता चुके हैं, बोल चुके हैं जय श्री राम, हो गया काम, हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको याद है महाराष्ट्र में भी ऐसे ही होता था। आपके स्क्रीन पर किरीट सुमैया, जो कार्रवाई ईडी या इनकम टैक्स करने वाली होती थी, किरीट सुमैया को पहले ही पता होता था। और यहां पर चुनाव आयोग क्या मजाक बनकर रह गया है, वो निशिकांत दुबे अपने बयानों से बार बार प्रमाणित कर रहे हैं। तो लगातार ये तलवार लटकी हुई हेमंत सोरेन के गर्दन पर, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को पोच करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायक गिरफ्तार हुए थे, याद है कि नहीं आपको, और फिर उन पर यह आरोप लगा था कि उन्हें दरअसल पैसा दिया था असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने। खुद झारखंड सरकार में एक विधायक कुमार जयमंगल ने आरोप लगाया था कि उन्हें 10 करोड़ की पेशकश की गई थी, और न सिर्फ 10 करोड़, उनसे यह भी कहा गया था कि तुम्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाएंगे। इसलिए हेमंत सोरेन जो है वो दौड़े दौड़े भागे भागे फिर रहे हैं। उनका बयान दोस्तों आपके स्क्रीन पर। हर चीज के लिए तैयार हैं, स्थिति हमारे नियंत्रण में। इससे पहले सोरेन अपने सभी विधायकों को रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर खूंटी लेकर पहुंचे थे और लतरातू बांध के पास एक झील में नाव की सवारी के लिए जाते हुए देखे गए थे।
जी हाँ, पहले पिकनिक बनाई झील में, मगर तब भी डर लगा रहा। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस के डर से उन्हें छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया है। एक सीधा सा सवाल दोस्तों, एक सरकार का क्या काम होता है कि वो गवर्नेंस करे, वो अपना काम करे, मगर सरकार अगर इस तरह से डरी हो तो वो काम किस तरह से करेगी। और हेमंत सोरेन तमाम जगहों से घिरे हुए हैं, ईडी उन पर दबाव डाल रही है, बीजेपी उन पर दबाव डाल रही है, यही नहीं राज्य के जो राज्यपाल हैं उन पर भी पक्षपात का आरोप लगाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि खरीद फरोख्त में वो भी मदद कर रहे हैं। बयान देखिए जेएमएम का, राज्यपाल पर खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का आरोप। बाद में एक संयुक्त बयान में यूपीए विधायकों ने कहा, क्या राजभवन समय बढ़ाकर निर्णय को सार्वजनिक करने में खरीद फरोख्त को बढ़ावा देना चाहता है? कानूनी सलाह क्या है जो वो लेने में सक्षम नहीं है? यह लोकतंत्र और लोगों का अपमान है। यह बात क्यों कह रहे हैं यूपीए के विधायक? क्योंकि चुनाव आयोग राज्यपाल को एक खत भेज चुका है। अब इस खत में क्या उन्होंने यह लिखा है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता को खारिज किया जाए? अब वो लिखा है या ना लिखा है वो हमें नहीं पता, मगर एक असमंजस बना हुआ है और इस असमंजस का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है ताकि कई विधायक जो डरे हुए हैं वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाएं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से चक्रव्यूह में बुरी तरह से हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं। मैं फिर आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्या सरकारें ऐसी चलती हैं? महाराष्ट्र में आप एक मिसाल देख चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था? महाराष्ट्र के अंदर ईडी के डर से एकनाथ शिंदे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, उनके साथ 40 विधायक और आ गए, क्योंकि उनमें से कई ऐसे लोग थे जिन पर ईडी के केसेस चल रहे थे। बात यहां नहीं रुकी, कई लोग जो एकनाथ शिंदे के साथ अब हैं वो कहते हैं कि कम से कम हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। तो कहीं सामदाम दंड भेद, कहीं एजेंसीज, इस तरह से इस रसूख, इस ताकत का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी सरकारों को बुरी तरह से अस्थिर कर रही है। झारखंड की मिसाल मैंने आपको दी, महाराष्ट्र की मैंने आपको मिसाल दी, अब दिल्ली की बात करें। दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में कल ही जांच एजेंसीज मनीष सिसोदिया को लेकर उनके गाजियाबाद बैंक लॉकर में पहुंची। उसके बाद मनीष सिसोदिया बाहर आए और उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश जो है वो नाकाम साबित हुई। जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के, कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह, कुछ कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पर रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा के करा दी, वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने CBI भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जाँच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। कुछ ही दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को 20 से 25 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं सरकार तोड़ने के लिए। मनीष सिसोदिया पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी सरकार को तोड़ो और बीजेपी में शामिल हो जाओ। आम आदमी पार्टी यह भी दावा करती है कि उसके पास प्रमाण है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हालांकि उन्होंने अब तक उस प्रमाण को पेश नहीं किया है। भाजपा साफ तौर पर कह रही है और उसका यह तर्क वाजिब भी है। भाजपा कह रही है कि अगर आपके पास ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है तो फॉरेंसिक जांच के जरिए इसकी पुष्टि हो सकती है, क्योंकि आज मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर ऐसा दावा कर रही है तो आम आदमी पार्टी जो है प्रमाण पेश करे, फॉरेंसिक जांच से यह पता चल जाएगा कि यह कॉल कहां से आया है। हम सभी MP बीजेपी के हम एग्रीड है इस बात पे कि जो डिफेमेटरी अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस लगाए गए हैं इसकी जांच
फॉरेंसिक हो जाए ताकि दिल्ली की जनता को पता चले कि ये जो दिल्ली की गद्दी पर भोली भाली सूरत लेके बैठ गए अरविंद केजरीवाल एंड गैंग हैं, वो कितने बड़े झूठ को फैलाने में लगे हुए हैं। अब हम नहीं जानते कि आम आदमी पार्टी सच बोल रही है या झूठ, मगर वो समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति का जवाब इसी तरह के पैंतरों से दिया जा सकता है। मैं बात स्पष्ट कर दूं, इस वक्त इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को बीजेपी खरीद रही है, मगर बीजेपी का एक रिकॉर्ड है। कर्नाटक की आपके सामने मिसाल है, कर्नाटक में तो बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। कथित तौर पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में पूर्व मुख्यमंत्री येदुरप्पा कांग्रेस के एक विधायक या शायद जनता दल के एक विधायक से कह रहे थे कि तुम आ जाओ, हम इतने करोड़ रुपए तुम्हें दे सकते हैं। ये तमाम चीजें तो ऑडियो रिकॉर्डिंग में थी। गोवा में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में तो खुलेआम एक राजनीतिक मंच पर खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था कि कमलनाथ की सरकार को गिराने का फरमान किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया था और हमें उनकी साख को बचाए रखना था, उनकी नाक नहीं कटनी चाहिए थी, इसलिए कमलनाथ की सरकार को जो है वो गिरा दिया गया। नतीजा आप देख सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना से चुनाव हार गए थे, आज की तारीख में राज्यसभा के जरिए भाजपा की मदद से न सिर्फ सांसद बन गए हैं बल्कि उन्हें मंत्री भी बना दिया गया है और कांग्रेस की सरकार गायब। यही चीज अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं, यही चीज हेमंत सोरेन देख रहे हैं, इसी चीज को उद्धव ठाकरे ने नहीं देखा। नतीजा यह है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार उड़नशू हो गई। मगर मैं फिर पूछना चाहता हूं, और यह सवाल मेरा विपक्ष से है, मान लिया भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से एजेंसीज का इस्तेमाल करके, पैसे के रसूख का इस्तेमाल करके आपके विधायकों को खरीद रही है, मगर क्या विपक्ष के विधायकों का इतना सा भी ईमान नहीं है? पैसों के सामने, डर के सामने इस तरह से नतमस्तक हो जाएंगे? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से सवाल, क्या आप नहीं चाहते कि इस देश में संघीय ढांचा बना रहे? क्योंकि जेपी नड्डा ने बिहार पहुंच के कहा था कि हमारा मकसद है सारे क्षेत्रीय दलों को खत्म किया जाए। इन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की ताकत बढ़ती गई तो सारे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। तो नड्डा साहब से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अपनी ताकत कैसे बढ़ाना चाहते हैं? क्या इसी तरह से ऑपरेशन लोटस के जरिए आप सरकारों पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं ताकि तमाम क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएं? और क्या इससे लोकतंत्र का परचम बुलंद हो जाएगा? नड्डा साहब बताइए, आज आप ये सब कर रहे हैं क्योंकि ताकत आपके हाथ में है, और ताकत हमेशा आपके हाथ में नहीं रहती। बड़े से बड़ा तानाशाह जो ये सोचता है कि मेरे हाथ में हमेशा ताकत रही है, उसका अंत बुरा हुआ है, और ये तो लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक लोकतांत्रिक भारत के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। लीबिया का गद्दाफी नहीं रह पाया, इराक का सद्दाम हुसैन नहीं रह पाया, हिटलर नहीं रह पाया, तो फिर तो ये लोकतंत्र है और बीजेपी कथित तौर पर एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इतिहास को पढ़िए बीजेपी, इतिहास से सीखिए बीजेपी। आप लोग 1975 से 1977 के बीच आपातकाल की दुहाई देते हैं, आप खुद बताइए आप क्या कर रहे हैं। ये तमाम फैक्ट्स हैं, इनके जवाब तो देने ही पड़ेंगे। बहरहाल राजनीति का खेल जारी है दोस्तों, ऑपरेशन लोटस के डर से विपक्ष की सरकारें दौड़ी दौड़ी भागी भागी फिर रही हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।